हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम कर रहे थे क्वेश्चन आस्क्ड इन 2023 और ये है हमारा अप्रैल का मंथ, अप्रैल 2023 के अंतर्गत जो भी परीक्षाएं हुई हैं उसके अंदर जो भी जीएस के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं और ये है हमारा आज का पार्ट वन। तो चलिए बढ़ते हैं पार्ट वन की तरफ। सो देखिए, पार्ट वन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who initiated the चिपको मूवमेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चिपको मूवमेंट को शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर टू तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर, बट इनके साथ में कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा के साथ में चांदी प्रसाद भट्ट। तो ये दो लोगों ने ये चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था और ये इनिशिएट कहाँ पर होता है? ये शुरू होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब देखिए, जब ये शुरू हुआ था जिस टाइम पर, ये एक्चुअली शुरू होता है 1993 के अंदर। एक विलेज है, विलेज का नाम है रानी विलेज, ठीक है। और ये कहाँ पर है? चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है अब आज की डेट में आपका उत्तराखंड के अंदर पाया जाता है, ठीक है, मतलब उत्तराखंड का एक जिला है। बट 1993 में ये जो उत्तराखंड का चमोली इलाका है ये आपका उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। तो यहाँ पर ये चिपको मूवमेंट स्टार्ट होता है। ये एक्चुअली बेसिकली आपने पढ़ा भी होगा स्कूल टाइम में कि एक लार्ज स्केल कटिंग हो रही थी किसकी? ट्रीज की। फॉर द किसके द्वारा ट्री की कटिंग हो रही थी? बाय द टिम्बर कॉन्ट्रैक्टर, जो लकड़ी के व्यापारी थे उनके थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली कटिंग हो रही थी पेड़ों की, ठीक है। तो उसके विरुद्ध या उसके विरोध में ये मूवमेंट शुरू किया गया था, ठीक है। चिपको मूवमेंट से रिलेटेड एक साउथ के अंदर कर्नाटक में भी एक चिपको मतलब पेड़ बचाओ आंदोलन से संबंधित एक मूवमेंट स्टार्ट होता है, ये 1983 के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। सर, ये आपको मैंने 93 बोल दिया, ये 1973 है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 1993 नहीं है, ये 1973 है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेधा पाटकर, जो मेधा पाटकर है ये बेसिकली नर्मदा बचाओ आंदोलन, NBA से शॉर्ट में कहा जाता है नर्मदा बचाओ आंदोलन, इससे जुड़ी हुई हैं। और नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये MP, महाराष्ट्र एंड गुजरात, इन तीन स्टेट्स में आपका प्रोटेस्ट चल रहा था इस प्रोजेक्ट को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट है देवनारू महादेव। ये जो है व्यक्ति, ये एक भारतीय राइटर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, जो कन्नड़ भाषा में अपने लेख लिखा करते थे और इन्हें पद्मश्री अवार्डी भी हैं। ये क्या है? पद्मश्री अवार्डी भी हैं। मेनका गांधी एक इंडियन पॉलिटिशियन है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर टू। भूमि प्रोजेक्ट, जो भूमि प्रोजेक्ट है ये किस चीज से संबंधित है? देखिए, भूमि प्रोजेक्ट जो है वो ये अंडरटेकिंग है और डेवलप किया गया है बेसिकली स्टेट ऑफ कर्नाटका की तरफ से। कर्नाटका स्टेट के द्वारा ये बनाया गया है। ये प्रोजेक्ट जो है बेसिकली ये क्या करेगा? कंप्यूटराइज करेगा जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं कर्नाटका स्टेट के, मतलब डिजिटलाइज करेगा बेसिकली। यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटलाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स। लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करने का काम किया जाएगा थ्रू द प्रोजेक्ट भूमि से, ठीक है। अब ये तो हो रहा है बेसिकली कहाँ पर? कर्नाटक में। बट ये एक ज्वाइंट वेंचर है जिसके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है आपका, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है वो स्पॉन्सर कर रहा है पूरे प्रोजेक्ट को एक तरीके से, प्लस पूरे को नहीं बट कुछ हिस्सा यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का है और कुछ यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का है। तो ये कोलेबोरेशन से इन दोनों से ये प्रोजेक्ट जो शुरू हो रहा है जिसके थ्रू ये डिजिटलाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स किया जाएगा, प्रोजेक्ट भूमि या भूमि प्रोजेक्ट। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन। हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स कैन पार्टिसिपेट इन द UNO जनरल असेंबली फ्रॉम ईच मेंबर कंट्री। देखिए, यहाँ पर हर मेंबर कंट्री का जो है एक सिंगल वोट होता है। तो यहाँ पर जो अप टू 5 मेंबर्स जो है यहाँ पर ऐड रहते हैं, ठीक है। 5 मेंबर्स का डेलीगेशन यहाँ पर जाता है, इलेक्टेड या फिर नॉमिनेटेड बेसिकली, जो रिप्रेजेंट करते हैं जनरल असेंबली के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स टू। देखिए, भारतीय संविधान के अंदर जो है एक आर्टिकल 112 के अंदर
लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। अब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? ये होता है आपका एनुअल बजट, ठीक है। जो एनुअल बजट होता है उसके बारे में यहाँ पर बात कही गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। गवर्नमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करती है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, एक एस्टिमेटेड बजट या एस्टिमेटेड एक ऐसे एस्टिमेट जिसके अंदर जो पैसा खर्च होगा और जो पैसा आएगा उसका एक तरीके का लेखा जोखा ब्यौरा जो है वो सबमिट किया जाता है। ये जनरली फरवरी की स्टार्टिंग में, फरवरी हर साल के फरवरी के स्टार्टिंग में होता है, पेश किया जाता है इन द पार्लियामेंट के अंदर। और इसके लिए फाइनेंशियल ईयर जो लिया जाता है वो लिया जाता है कब से, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड है ये लिया जाता है। इस टर्म के लिए जितना भी एक्सपेंडिचर होगा या जितने भी इनकम होगी उन सबका लेखा जोखा आपको यहाँ देखने को मिलेगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल बजट, या फिर आप इसे यूनियन बजट के नाम से भी आप जानते हैं, ठीक है। अब ये पूरा बजट जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट होता है कंसोलिडेटेड फंड का, दूसरा होता है कंटिजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड अलग है, कंटिजेंसी फंड होता है, और थर्ड होता है पब्लिक अकाउंट्स। तो इन 3 पार्ट्स के अंदर यहाँ पर डिविजन देखने को मिलता है। 2016 रेल बजट जो है वो एक सेपरेट बजट आपका पेश हुआ करता था, बट 2016 के बाद जो है रेल बजट का सेपरेट पेश नहीं होता है, ये कंबाइंड पेश होता है थ्रू द यूनियन बजट। जो यूनियन बजट होता है, जो आम बजट होता है, उसी में ही ये कंबाइंड एक सेक्शन रखता है रेल बजट, ठीक है। अब ये सेपरेट नहीं होता, 2016 से पहले ये सेपरेट हुआ करता था, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। एम्बेसडर आर अपॉइंटेड बाय, देखिए एम्बेसडर क्या होते हैं, एम्बेसडर या फिर आप इन्हें कहते हैं हाई कमिश्नर, ठीक है। इनको अपॉइंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अब राष्ट्रपति तो डायरेक्टली अपने आप नहीं करते, राष्ट्रपति को कौन बताता है कि वे किस व्यक्ति को करना है? तो देखिए इसमें फॉरेन जो मिनिस्टर है, एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, एक्सटर्नल जो विदेश मंत्री हैं, प्लस यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है, तो ये दोनों लोग मिलकर अपना, और कैबिनेट जो है, बेसिकली कैबिनेट तो रहेगी, तो ये सभी लोग जो मिलकर नाम डिसाइड करते हैं, वो नाम आपका प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, और फिर प्रेसिडेंट जो है उस फलाना व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं एज अ एम्बेसडर और हाई कमिश्नर इन डिफरेंट कंट्रीज। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक एम्बेसडर, देखिए दोनों का काम एक ही है, यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस आता है, जिन स्टेट्स के अंदर या बेसिकली कहा जाए जिन कंट्रीज के अंदर ब्रिटिश रूल हुआ करता था, ठीक है, जिन कंट्रीज के अंदर ब्रिटिश रूल हुआ करता था वहाँ कहा जाता है हाई कमिश्नर, और जहाँ पर नहीं हुआ करता था, अदर रेस्ट ऑफ द की बात करें, अदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, वो कहलाता है एम्बेसडर, ठीक है। मतलब जैसे पाकिस्तान हो गया या आपका यूके हो गया, तो वहाँ पर क्या कहलाता है? हाई कमिश्नर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। चलिए फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आयरलैंड, सबसे पहले हम सबके बारे में जान लेते हैं। देखिए आयरलैंड है, तो आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है? डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट लिया है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड हमने लिया है यहाँ से, एंड जो प्रेसिडेंट हैं वो जो नॉमिनेट करेंगे किसके, राज्यसभा के मेंबर को, वो प्रोसेस भी हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। जर्मनी से लिया है हमने फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी के दौरान। यूके की बात करें तो यूके से हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, जैसे नॉमिनल हेड के बारे में हमने लिया है, बाइकैमरल जो सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसे हमने लिया है, स्पीकर ऑफ लोकसभा राज्यसभा इसका कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से लिया है, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपने हम यहाँ से लिया है, कैबिनेट सिस्टम, ठीक है, ये भी हमने कहाँ से लिया है? यूके से लिया है। बात करें फिर हम यूएस के बारे में, तो यूएस से हमने क्या क्या लिया, बहुत सारी जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इम्पीचमेंट प्रोसेस हो गया, फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस का जो रिमूवल प्रोसेस है उसको भी हमने यहाँ से लिया है। जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लिया है। फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया। तो बहुत सारी चीज़ें हमने यूएसए और यूके से ली है। अब यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग पे आते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म कहाँ से हो गया? यूके से, डीपीएसपी हमने आयरलैंड से,
इमरजेंसी प्रोविंस जर्मनी, एंड रेस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर हमने कहाँ से लिया है, फिर यूएस से लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैच बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थ्री का मैच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेट्स है एंड रिफाइनरीज है। ठीक है, तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, हरियाणा के अंदर पानीपत ऑयल रिफाइनरी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर क्या देखने को मिल रही है, पानीपत रिफाइनरी, एंड गुजरात के अंदर कयाली रिफाइनरी मिलेगी, तमिलनाडु के अंदर आपको देखने को मिलेगी मनाली, एंड आसाम के अंदर बोंगाईगांव। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा करेक्ट मैच। देखिए यहाँ पर पूछा गया है नेम ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स और किन स्टेट्स में है। देखिए एमपी की बात करें तो एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर पंचमणी है एक, तो पंचमणी, एंड आपका है अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है, एक है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो पन्ना हो गया मध्य प्रदेश के साथ। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में आपको सिमलीपाल जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो देखने को मिलेगा, दैट इज सिमलीपाल उड़ीसा के साथ हो गया। देन है असम, असम के बाद असम में आपको देखने को मिलेगा डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क, सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व, और यहाँ पर साथ में आपको मानस बायोस्फीयर रिजर्व भी आपको देखने को मिलता है असम के अंदर। श्रीशैलम जो है ये आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा, और आंध्र प्रदेश के अंदर श्रीशैलम बायोस्फीयर रिजर्व तो है ही, साथ में एक टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, एक एलिफेंट रिजर्व आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के अंदर, और तीन नेशनल पार्क आपको मिलेंगे यहाँ पर, और 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है आपको देखने को मिलेंगे इन द आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर जो मैच ऑफ द फॉलोइंग का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए का हो गया थ्री, ए का थ्री है यहाँ पर और यहाँ पर, एंड श्रीशैलम दैट इज फोर। ओके, तो दैट इज ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, अरेंज करना है फॉलोइंग कोल्स को, ये कोल के टाइप्स दिए गए हैं आपको, सुपीरियरिटी टू इंफीरियरिटी मतलब उच्च कोटि का कोल और फिर निम्न कोटि का कोल कौन सा है ये बताना है। देखिए यहाँ पर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर हम बात करें पीट की, तो पीट का जो के अंदर जो कार्बन कंटेंट है, बेसिकली कोल की जो अच्छी क्वालिटी है खराब क्वालिटी है वो डिपेंड करती है उसके कार्बन कंटेंट पे, कितना कार्बन उसके अंदर प्रेजेंट है। तो पीट के अंदर आपका 50% के अराउंड कार्बन परसेंट देखने को मिलता है। पीट के बाद बात करें तो लिग्नाइट की, तो ये जो लिग्नाइट है, लिग्नाइट के अंदर लगभग 65-70% आपको कार्बन देखने को मिलेगा, एंड बिटुमिन के अंदर आपको 75-80% लगभग कार्बन देखने को मिलेगा, नॉट डाइऑक्साइड डेट इज कार्बन। एंथ्रासाइट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अराउंड 90-95% जो है कार्बन देखने को मिलता है। तो दैट मीन्स सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट आपको एंथ्रासाइट में मिल रहा है और सबसे कम कहाँ पर मिल रहा है, पीट के अंदर। तो ये आपका क्रोनोलॉजी बन जाएगा। तो देखिए आपका सबसे पहले एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट, पीट, दैट इज ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर फिशिंग हार्बर ऑफ इंडिया। देखिए मेजर फिशिंग हार्बर ऑफ इंडिया के बारे में जब हम बात करते हैं तो मोटा मोटा 7 मेजर हार्बर्स हैं, बेसिकली जो फिशिंग हार्बर्स हैं इंडिया के अंदर, और अराउंड 70 माइनर फिशिंग हार्बर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करें यहाँ मेजर वालों की, तो यहाँ पर आपको वाइजैक देखने को मिलेगा। ठीक है, वाइजैक, कोच्चि, कलकत्ता, मैंगलोर, पीवापा, कृष्णापट्टनम, ठीक है, जेएनपी, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर देखिए कोचीन, चेन्नई, एंड यहाँ पर जो है आपका मैंगलोर, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन द इंडिया राइट नाउ। सो एज ऑफ 2023 कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है हमारे पास ये आपको बताना है। तो इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल आपको देखने को मिलती है कितनी, 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपको देखने को मिलती है। कौन कौन सी हैं, जैसे असम के अंदर आपको देखने को मिलेगी काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, वो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा राजस्थान के अंदर केवलादेव खाना
नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क आपको राजस्थान में, आसाम के अंदर मिल रहा है आपको काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, एंड आसाम के अंदर एक और है उसका नाम है मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क भी आप, सॉरी मानस नेशनल पार्क नहीं, यहाँ पर मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उत्तराखंड का आपको देखने को मिलता है नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। वेस्ट बंगाल के अंदर आपको देखने को मिलता है सुंदरबन नेशनल पार्क आपको, एंड जो वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स ये भी आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर कंसिडर होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और देखिए ये तो हो गए नेचुरल वाले में, ये तो नेचुरल्स में आ जाते हैं आपके, ठीक है, जो नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं देश के अंदर। बट और बाकी हम बात करें तो जैसे धोलावीरा हो गया आपका, जयपुर सिटी हो गया, ठीक है, रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार, एलिफेंटा केव्स, एलोरा केव्स, फतेहपुर सीकरी, आगरा, अजंता केव्स, ताजमहल, सन टेम्पल, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी इसी के अंदर कंसिडर की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सो इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर कुछ ही क्वेश्चन किए हमने, छोटा सा वीडियो बनाया है मैंने, बहुत बड़ा नहीं किया इसको, और बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन नहीं थे। तो मिलते हैं सेकेंड पार्ट के अंदर, जिसमें हम कुछ और थोड़े से टिपिकल लेवल के क्वेश्चन को कवर करेंगे।